हेलो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब फॉर माय चैनल प्रेस एंड नेवर मिस एन अपडेट हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल आज के लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हैं फिलिंदा ब्लैंक नंबर वन दी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है नंबर टू द डैश इज़ इंक्लूडेड अमंग ऑडियो विजुअल मीडिया ऑडियो विजुअल मीडिया में टेलीविजन आता है नंबर थ्री डैश इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल सोर्सेज फिजिकल सोर्सेज में प्रोवर्ब्स नहीं आते प्रोवर्ब्स ओरल सोर्सेज में आता है देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड राइट द करेक्ट वन रॉन्ग पेयर सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है हमें तो इसमें जो रॉन्ग पैर है वो है अमर शेख जिनका लिखा हुआ है आर्ट कलेक्टर देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स है रिटर्न सोर्सेज पेज नंबर वन और टू पे और उसी के साथ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पेज नंबर वन पे तो पहले हम रिटर्न सोर्स करते हैं पेज नंबर वन एंड टू देखिए यहां पर रिटर्न सोर्सेज सेकेंड का फर्स्ट दी फॉलोइंग सोर्स आर इंक्लूडेड इन द रिटर्न सोर्सेज ये सारे रिटर्न सोसेज में आते हैं न्यूज पेपर्स पीरियोडिकल डायरीज रेफरेंस बुक्स यानी लेटर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स इन आरकाइव आरकाइव इज अ प्लेस वेर डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट और प्रिजर्व जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है गवर्नमेंट गैजेट्स पोस्टेज स्टैम्प एनसाइक्लोपीडियाज एक्सेट्रा ये सब रिटर्न सोर्सेज हैं अब उसमें जस्ट एज न्यूज पेपर्स आर कंसिडर्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न पीरियड दे आर ऑल्सो अ मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन रिटर्न सोर्सेज में एक इंपॉर्टेंट सोर्स है न्यूज़ जिसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं और ये मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसके बाद यहाँ से न्यूज़पेपर के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे थ्रू न्यूज़पेपर्स वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स न्यूज़पेपर से हमें नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पता चलता है पॉलिटिक्स के बारे में पता चलता है आर्ट स्पोर्ट्स लिटरेचर एंड सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स इन सारी चीज़ों की नॉलेज हमें न्यूज़पेपर से होती है स्टूडेंट्स ये आंसर आप पॉइंट वाइज लिखिएगा पॉइंट बना के उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है जो इंक्लूड करना है पोस्टेज स्टेम्स का तो पोस्टेज स्टेम्स रिवील अ लॉट टू अस अबाउट चेंजिंग टाइम्स ड्यू टू द वैरायटी इन द साइज ऑफ़ द स्टेम्स बदलते वक्त के साथ साथ पोस्टेज स्टैम्स में भी बहुत सारी चेंजेस आई है जिससे हमें बहुत सारी अलग अलग बातें जानने को मिली हैं द नोवेल्टी इन दर सब्जेक्ट एंड कलर स्कीम इसकी साइज़ में डिफरेंस आया है इसके सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट आए हैं और अलग अलग कलर्स में पोस्टेज स्टैम बने हैं द पोस्टल डिपार्टमेंट इशूज पोस्टेज स्टैम्प ऑन वाइड वेराइटी ऑफ थीम्स लाइक पॉलिटिकल लीडर्स पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो पोस्टेज स्टैम को इशू करता है जिसकी अलग अलग थीम्स होती है हर पोस्टेज टैम की एक अपनी अलग थीम होती है जैसे किसी पे पॉलिटिकल लीडर बने होते हैं किसी पे फ्लावर्स किसी पे एनिमल्स किसी पे बर्ड्स किसी पे कोई इवेंट या किसी इवेंट की सिल्वर गोल्डन और डायमंड जुबली और सेंटिनररी बाय सेंटिननरी और टर सेंटिनरी मतलब कोई इवेंट को अगर समझो सौ साल हो गए तो सेंटिननरी अगर दो सौ साल हो गए बाय सेंटिनरी और तीन साल हो गए तो टर्सेंटिनरी तो इस तरह से आ, सौ साल दो सौ साल और तीन सौ साल जो है वो भी पोस्टेज पोस्टर पे किसी पर्टिकुलर इवेंट का आ, बताया जाता है ऑफ डिफरेंट इवेंट्स इट इज़ देयर फॉर अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ हिस्ट्री इसकी ये हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट रिपोजिटरी है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है स्टूडेंट्स यहाँ पे लगे हा तो मैं आपको थर्ड का फर्स्ट भी करा देता हूँ क्योंकि देखिए जो ग्रीन में अंडरलाइन आप देख रहे हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड के फर्स्ट का भी आंसर है तो सिर्फ एक लाइन हमें यहाँ पर और ऐड करना है बाकी हमने पढ़ लिया है वो ये है कि देर हैव बिन सेवरल चेंजेस इन पोस्टेज स्टेम्स सिंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है तब से पोस्टेज स्टैम्प्स में बहुत सारे चेंजेस आई है और कौन कौन सी चेंजेस हैं कौन कौन सी थीम्स होती है वो हमने यहाँ पढ़ लिया तो यहाँ पर हमने लगे हाथों सेकेंड का फर्स्ट भी कर लिया और सेकेंड का थर्ड uh, का फर्स्ट भी कर लिया अब सेकेंड का जो सेकेंड है पीटीआई दैट इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वो यहाँ पर है देखिए ये पूरा पैराग्राफ तो इसको भी आप पॉइंट वाइज लिखिएगा जहाँ डॉट है वहाँ से दूसरा पॉइंट आप बना सकते हैं तो आफ्टर नाइनटीन फिफ्टी थ्री प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल्स ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स 1953 के बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये किसी भी इम्पॉर्टेंट इवेंट के नॉलेज के लिए या फिर किसी आर्टिकल किसी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के आर्टिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड रिपोर्ट्स ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं ये रिपोर्ट प्रोवाइड किया फ़ोटोग्राफ्स देती हैं एंड आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल एंड सेंटिफिकेपर फाइनेंशियल इशूज़ पर आर्टिकल्स भी ये न्यूज़ पेपर को प्रोवाइड करती हैं पी हैज़ नाउ स्टार्ट इट्स ऑनलाइन सर्विस अब तो पी ने अपनी ऑनलाइन सर्विस भी शुरू कर दी है ड्यूरिंग द 1990s 1990 के टाइम पे पी टी यूजिंग द ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी पीटीआई ने सैटेलाइट सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया इंस्टेड ऑफ टेलीप्रिंटर्स की जगह पे टू सेंड न्यूज ऑल ओवर द कंट्री ताकि न्यूज पूरे देश में भेजी जाए दिस इज फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया तो जो सोर्सेज पीटीआई प्रोवाइड करता है वो मटीरियल भारत के यानी मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री को लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स का काम करता है चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम स्टूडेंट्स देखिए ये दोनों हमने कर लिया इसके बाद मैंने थर्ड का फर्स्ट भी आपको एक्सप्लेन किया थर्ड का फर्स्ट था द पोस्टल डिपार्टमेंट ये गिव रीजन है द पोस्टल डिपार्टमेंट ट्राइज टू प्रिजर्व द हेरिटेज एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन कल्चर थ्रू पोस्टर्स टाइम ये मैंने करा दिया अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ऑडियो विजुअल मीडिया आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री लिखने के लिए ऑडियो विजुअल सोर्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है ये पेज नंबर थ्री पे इसका आंसर है तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर थ्री पे

इंडियन न्यूज़ रिव्यू जो है वो बहुत सारी न्यूज़ रील्स बनाती हैं अलग अलग टॉपिक पे जैसे कि पॉलिटिक्स सोशल इश्यूज आर्ट्स स्पोर्ट्स एंड कल्चर दिस डिपार्टमेंट हैज़ आल्सो प्रोड्यूस वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज यही डिपार्टमेंट बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाता है ऑन प्रोमिनट सोशल लीडर बड़े बड़े लीडर्स पे ऑन पीपल हु हैव मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री उन लोगों पर जिन्होंने देश के लिए कुछ बड़ा काम किया है कुछ बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया है देश के डेवलपमेंट में एंड अबाउट इम्पॉटेंट लोकेशन इन इंडिया और भारत के इंपॉर्टेंट लोकेशन पर भी ये न्यूज रील्स बनाते हैं दीज न्यूज़ रिलीजेज एंड डॉक्यूमेंट्रीज़ आर यूजफुल फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इन्हीं न्यूज़ रिलीजेस की मदद से या इन्हीं डॉक्यूमेंट्रीज की मदद से मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को स्टडी करने में आसानी होती है और ये बहुत यूजफुल प्रूफ होता है इस हिस्ट्री को समझने में सो विध दिस स्टूडेंट्स इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और आंसर एक्सप्लेशन मैंने करा दिया आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो थैंक यू